हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, और आप लोग के भी ओबियसली सर्दियों की सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी तो होगी होगी। तो इस सर्दी के मौसम में जो हमारी गरम गरम सी भाजी प्याज है, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो भाजी प्याज की वीडियोस तो मैं देखती हूँ, शायद हाँ देख ही लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं देखने बैठ जाऊँ, पर देख लेती हूँ, नहीं भी देखती हूँ। आ जाता नोटिफिकेशन तो देख लेते हैं, कभी कभी नहीं भी टाइम मिलता तो नहीं देखते। अच्छा जी, जो बाजी फियाज हैं उनका ये प्रॉब्लम है कि एक तो वो उल्टे काम बहुत करने लग गई हैं, एक तो अपने आप में ओवर बहुत होने लग गई हैं, एक तो वो बाजी हैं, ऊपर से वो बाजी फियाज हैं। तो जिसकी वजह से उनमें दो जेंडर्स पाए जा रहे हैं, तो एक तो लड़की का एक लड़के का। सो इस वजह से वो जिस चाहे मर्जी ना अपने आप को उस टाइम ढाल लेते हैं, वो मतलब अपना आप दिखाने के लिए ना उस टाइम वो अपने आप को जाहिर करा लेता है, फिर आदमी जाहिर करा लेता है। जहाँ उसे लगता है कि मुझे अब आदमी बनना चाहिए, वहाँ वो आदमी बन जाता है। जहाँ उसे लगता है कि मुझे औरत बनना चाहिए, तो वहाँ वो औरत बन जाता है। अच्छा जी, बजफियाज की पहली बात ये है कि बजफियाज ने जो थंबनेल अपने लगाए होते हैं, अच्छा हाँ थंबनेल वो होता है ना जो वीडियोज हो उसी का ही मतलब दिखाया जाता है कि ये अब लगी है इसमें। अच्छा, जो बजफियाज है, बजफियाज ने थंबनेल लगाना होता है और अंदर वीडियोस डालनी होती है, और बाजी फियाज के थंबनेल और होते हैं और अंदर वीडियोस और ही होती हैं। मतलब जो आप देख लें कि अभी उसने एक वीडियो बनाई थी, मैंने जो उसकी वीडियो देखी है उसमें जी उसने वीज़ा लग गया, बाय बाय अपने कंट्री को कर रहा है वो। और जी अगर जब मैंने वीडियो देखी है तो वीज़ा किसी और का लगा हुआ है, जा कोई और रहा है, मतलब कोई सर किसी का है और पाँव किसी चीज़ का है, अपनी सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, कुछ करने के लिए लोगों को झूठी सच्ची दिखा रहे हैं, पर झूठ सच बोली जाते हैं, पता नहीं फेक व्यूज लेते हैं, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता इनको कोई देखता दुखता होगा। या फिर आप ही ये ज़बरदस्ती लोगों को कहते हो कि पकड़ पकड़ के, यार प्लीज़ ज़रा मेरी वीडियो तो चला दे, ज़रा मेरी वीडियो तो देख ले, थोड़ी देर 2 मिनट एक व्यू ही आ जाएगा यार, ओपन ही कर ले इसको। तो मुझे तो यहाँ तक लगता रहा ये ऐसे काम करते होंगे, क्योंकि बुल्ली उसके बहुत बड़े बड़े, इतना इतना तो उसका एक बुल है, तो जिस हिसाब से उसके बुल है तो उस हिसाब से तो वो व्यूज़ उसके लिए काफ़ी नहीं है ये, क्योंकि एक बुल के हिसाब से उसके ये व्यूज़ है, इसका इतना बड़ा तो बुल है एक। अच्छा जी चलें, अब अगली बात ये है कि व्यू के लिए कुछ भी करते हैं, कभी घर लेके बैठ जाता है, कभी घर का लगा देता है कि जी मैं घर बना रहा हूँ आ रहा हूँ, घर बन गया है, कभी चंदा मांगने लग जाता है घर के लिए, जो हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि जी घर के लिए अब चंदा मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा जी, अगली बात आप बाजी फियाज की अब सुन ले। जब से बाजी फियाज ने देखा है कि अब्बास वीर की शादी हुई है, बाजी फियाज को फायर लग गई है, फुल फुल आग लगी है, आग में लौटता है वो सारा दिन, उसका तो मतलब चेहरा ही बदल गया। तो पहले उसकी बड़ी भैड़ी सी शक्ल थी, उसकी और भैड़ी सी शक्ल हो गई है, एक तो उसके बुल बहुत बड़े बड़े हैं, एक तो ऊपर से वो एक होते हैं ना होंठ बाहर को निकले होते हैं या नॉर्मल होते हैं, फिलर्स कराते हैं तो वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं होंठ, तो उसके होंठ है कि बड़े हो गए ऐसे, जैसे थप किसी ने मार दिया ऊपर, ऐसे चिपटे हो गए हैं उसके होंठ, जिसकी वजह से मुझे और बुरे लगते हैं उसके होंठ। और अच्छा ठीक है, अभी ये तो चले आपके जो होंठ है ठीक है, ओके आप जैसे भी है एक ठीक है, उसमें आपका कसूर नहीं है मान लेते, लेकिन जो आप हरकतें करें उसमें आपका कसूर है। अभी देखें आप मेरे हरे बड़े ऐसा ऐसा करके वीडियो बनाओ, फिर कितना बुरा लगेगा ना अंदर, एक चीज़ एक भय ही बड़ी चीज़, और उसको उठा उठा कर ले जाके कैमरे में तुम दिखा रहे हो, तो क्या मतलब देखने वाला बंदा डर जाएगा कि क्या दिखा रहा है मुझे, मतलब हम बुल देख रहे हैं, तो थोड़ी अक्ल वाले काम करने चाहिए। अच्छा जी, अगली बात ये है कि जो बाजी फियाज हैं, बाजी फियाज ने ये काम शुरू किया हुआ है कि उनके अगर आप देखें वीडियो देखें, सबके थंबनेल देखें, तो सबके थंबनेल में उसने सिर्फ औरतें बिठाई हुई हैं, मतलब सिर्फ औरतों के सर पे यार वो व्यूज़ ले रहा है, उसके हर किसी वीडियो में उसके कुछ नहीं है, सिर्फ औरतें औरतें उसके। अगर आप थंबनेल उठा के देख लेना, ज़्यादातर उसने थंबनेल औरतों के ही लगाए हुए, कभी आप बैठा नाच रहा है तो कभी उसकी भाभी बैठी नाच रही है, तो कभी बुलड़ी बैठी नाच रही है, तो कभी बुलड़ी का थंबनेल उठा के
के लगा दिया है, तो कभी बहन का लगा दिया है, कभी माँ का लगा दिया है, तो कभी मतलब औरतों के थंब नहीं लग रहा। आप उसकी वीडियो पूरी वॉच कर ले, वॉच नहीं करें चले, इतना आपके पास फालतू टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि मैं भी उनकी वीडियो को पूरी प्रॉपर बैठ के नहीं देखती हूँ। मैं भी आगे आगे निकाल दी जाती हूँ, मतलब मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी से ना यार इनकी फजूल याद देख ली जाए, इनकी बकवास याद देख ली जाए, बाकी जल्दी जल्दी से निकाल के फारग करो इनको, इतना टाइम नहीं होता। बल्कि मेरा तो ये होता है कि बस बस एक कहते हैं ना फॉर्मेलिटी करनी होती है, देखना होता है कि आज इन्होंने करतूत क्या की है, बस इसके अलावा मेरा कोई नहीं होता है कि बैठ के मैं देखूँ या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मेरा मतलब वे टाइम ही नहीं होता है इतना ना कि बैठ के बंदा इन लोगों की पागल वाली हरकतें देखनी शुरू कर दे। अच्छा जी, अब आपने इसके अगर थंबनेल देख लिया, मैं थंबनेल की बात कर रही थी कि थंबनेल्स पे सब पे औरतें लगी हुई हैं इसकी। बात ये है कि वो औरतों के सर पे कमाई खा रहा है। बता पूछे तुम लोगों को कोई कॉन्टेंट नहीं है दिखाने के लिए, तुम लोगों के पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तुम लोग बुलड़ी भी ले आए उठा के, तुम लोगों ने बुलड़ी को आए दिन हर जगह हर किसी के थंबनेल पे, हर किसी की मींस के हर किसी की वीडियो में बुलड़ी घुसी रही है। उसके बाद तुम लोगों ने ये किया कि वो बेबी बेबी का ड्रामा तुम लोगों ने शुरू कर लिया था। बेबी का ड्रामा तुम लोगों ने अच्छा भला चलाया, लेकिन मसला ये था तुम लोग बेबी का ड्रामा ज़्यादा देर चला नहीं सकते थे। बेबी का ड्रामा तुम इसलिए ज़्यादा देर चला सकते थे क्योंकि जो बेबी जी थी ना, वो बेबी जी ने अपने घर भेजना था तुम लोगों को। अब तुम लोगों को हो रहा था खर्चा, तुम लोगों को पेंडुल बहुत दिता होया हुआ, छानू बहुत दिता होया हुआ, जैसे कि बुल्लड़ अब्बास अक्सर जिक्र करता बहुत दिता है, तो जान उसकी एक चीज़ पर निकलती है। शुरू शुरू में तो उसने अपनी बड़ी दिखाई महविश के बिलड़ी के सामने के जी मैं ये मैं वो, तो बिलड़ी जी ने एक ही मार्क्स है वही मार्क्स उसने लगाई जाना है। भाई पता है क्या मसला है, तुम्हारे पास तो पैसा ही बहुत है, तुम्हें मार्क्स तो बदलना चाहिए। मतलब क्या ये दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, फजूल है, कैमरा रख के चला रहे हैं इनकी, मतलब ड्राइव कर रहे हैं तो कैमरा रख के कर, कैमरे बार बार देख रहे हो भाई, बच जाओगे कहीं, किसी में बच जाओगे, किसी को मार जाओगे, कुछ तो अक्ल मौत कर लोगे, इतने जहल तुम लोग लोग किसे जहल आना तुम लोग की हरकतें, कुछ तुम लोग किसी का सेफ्टी का ख्याल नहीं है, अपना सेफ्टी का ख्याल नहीं है, अपना तो तुम लोग डूब ही चुके हो भाई, किसी का ही ख्याल कर लो, अगले बंदे को तो नहीं ना पता, तो तुम लोग अंदर यूट्यूब चला के बैठे हुए हो कार में, तो तुम लोग पीछे से आके किसी को टक्कर मार दो, तो भाई ख्याल कर लो किसी का, मेरा तुम लोग को ये मशवरा है, अक्ल कर लो। ठीक है दे, तो तुम लोग हो गए हो लालच में, क्योंकि तुम लोग के भी क्या कसूर, तुम लोग को पैसा कहीं से मिल नहीं रहा था, तुम लोग को मुफ्त की रोजी उसने लगा दी अली वीर ने, अब जिसकी बीवी फुल बलून बनी हुई, इतना बुरा कैसे ना बच्चे होते फूले फूले से ना, अक्सर चंगड़ों के बच्चे होते हैं जो हमारे ना कंट्री में फिरते होते थे, तो वो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, रेड रेड से हुए होते हैं, वो वैसे ही हो गई है, तो भाई उसका कोई इलाज वगैरह कराओ तुम जाके। ये क्या तुम दिखाने बैठ गए हो लोगों को, लोगों को तुमने मुफ्ते पे काम पे लगा दिया, उनके पास कुछ दिखाने के लिए भी नहीं, या तो कोई कुकिंग चैनल खुला देते उन्हें, या तो फिर कोई मतलब जैसे अब हमारा चैनल है कुकिंग विद नाज़नीन है, तो ये कुकिंग चैनल है, इस पर मतलब एक कॉन्टेक्ट है कुकिंग का है, आप देख सकते हो जो आपको, मैं खुद देखती हूँ इस पर वीडियोज़ देखती हूँ, मैंने क्या बनाना है आज क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं कहती हूँ मैं महीने में अगर 30 दिन में खाना मैं लगातार 30 डिशेस बना रही हूँ ना, तो 25 लाजमी मैंने कुकिंग विद नाज़नीन से देख के बनानी है, क्योंकि इनका खाना इतना इजी होता है बनाना और इतना ज़्यादा अच्छा बनता है कि मतलब मैं कहती हूँ जैसे मैं देख के बनाती प्रॉपर अच्छा बन जाता है, कोई मुझे परेशानी नहीं होती है कि ये कैसे मैंने बनाना है ये कैसे बनाना है, मैं जैसे देखती हूँ वैसे बना लेती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो भाई कोई कंटेंट लाओ ऐसा कोई दिखा लो, नहीं तो लोगों को पता चलता हमारा चैनल खोलो कुकिंग विद नाज़नीन खोलो, डिशेज देखो जो तुम्हारी वो मेरा चना उठा के मुंह इतना बड़ा ले आती है बिना कुकिंग भी नहीं जिसको आती होती, वो 2-4 डिशेज यहाँ पर देख ले तो बना ले तो शायद अच्छी ही उसकी बन जाए, क्योंकि हमने तो कुकिंग अच्छी सिखाई है। तो खैर फिलहाल अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।